आर खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लॉकडाउन दे कारण फसे होए प्रवासी मजदूरां दीआं मुश्किलां नूं लै के राहुल गांधी ने लगातार केंद्र सरकार ते निशाने साधे ने। इसे विचाले वड्डी गिणती च जो मजदूर अपने घरां नूं वापस जा रहे ने उहनां दा हाल वी राहुल गांधी ने बीते दिनी जाणिया सी। राहुल गांधी ने 16 मई नूं सुखदेव विहार फ्लाईओवर दे कोल इन्हां मजदूरां दे नाल गलबात कीती सी, जिसकी एक वीडियो हुण राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल दे उत्ते शेयर कीती है। इस वीडियो दे शुरुआत दे विच मजदूरां दे पलायन दे दर्द नूं दिखाउण वाले दृश्य दिखाए गए ने, जबकि इस दे बाद राहुल गांधी दी मजदूरां दे नाल हुई भावुक गलबात भी दिखाई गई है। महेश कुमार झांसी मऊरानीपुर, यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े है, पूरे कल से नहीं गए, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए, अपनी क्या करें फिर। वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग, बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। चार चार पाँच पाँच दिन काम किया है, वो बचा लिया 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए, इस वजह से फिर अब पैदल निकल लो गाँव, पैदल जल्दी खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा तो क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है साहब, अब लड़ रहे वो तो, अब उससे लड़ रहे तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, उतना करना ही पड़ेगा। काम धंधे सब बंद से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर का। चुनाई प्लस्तर का। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, अब सब एक साथ चले। हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था, 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करे। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे, कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है, झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो कैसे कर रहे हो? चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया, तो खा लिया, लोग दे रहे हैं, लोग दे दिया बस रास्ते में, तो खा लिया है, ना तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पर पता लगा कि भैया? बिल्कुल, एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद है? एक दिन बंद, ये नहीं समझा क्यों हुआ? वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? घर भाग जाते, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले, कहीं घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूं बेच बेच के घर डाल, घर से पैसे काट। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया? क्यों लिया? एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या होगा? चौथे में क्या होगा, फिर पांचवा बढ़ेगा कि छठवा, कहाँ तक चलेगा कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में? या वही अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए, बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने? बनाने खाने वाला, खाना बनाने करने का सामान है, सब छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।